क्या हुआ मैडम? चश्मा तो नहीं मिला, पर कुछ और मिसिंग है. क्या? आपकी गन. हमारी गन कैसे गायब हो गई? रूल्स, फैक्ट्स. ऑन ड्यूटी सर्विस गन खोना, सजा, जुर्माना, लाइन हाजिर, सस्पेंशन, कुछ भी हो सकता है मैडम. हाँ हाँ, पता है, हमको पता है, बड़बड़ाने का जरूरत नहीं. हमें पता क्या होता है गन खोता तो. मैडम, सर आपने कहाँ रखा था गन? यही होल्स्टर में. नहीं मतलब, हो सकता है निकालने के बाद आपने सर्विसिंग पे दिया हो, या फिर किसी और वजह से निकालो. कुछ ऐसा ध्यान आ रहा है आप? नहीं नहीं, करिश्मा सिंह होल्स्टर में थी, हम कहीं और कहाँ रखेंगे. तो गन होल्स्टर में से गायब हो गई और आपको पता भी नहीं चला? Oh my God. हमें भी इसी बात की हैरानी है कि इतनी भारी चीज हमारे होल्स्टर में से गायब कैसे हो गई. और अगर किसी ने ये मजाक किया है तो एक पुलिस ऑफिसर की गन चोरी करने जैसा घटिया मजाक कौन करने की हिम्मत कर सकता है? मैडम सर, पर चिंता का बात अभी ये है कि जिसने भी आपका गन चुराया उसने दुरुपयोग कर लिया तो, और लपेटे में सिर्फ और सिर्फ आप आएंगे. इस इंसान को ढूंढना होगा जिसने भी आपका गन चुराया. हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रही है. फॉलो मी. हाँ, और नहीं नहीं, आप नहीं, आप. मेरा चश्मा किधर गया? ढूंढ रहा हूँ, कब से मिल ही नहीं रहा. अरे कर रहे अंधा पिशाच, नाना हमसे टकराओ मत बाबू, बहुत ही ज्यादा संवेदनशील हो चुके हैं हम. हमसे टकराएगा ना बिलोटे, हम बिखर जाएंगे. हमसे मत टकराओ बिलोटे. क्या हुआ? क्या? क्या? ना बिलोटे, क्या हुआ? मेरा चश्मा देखा, मेरा चश्मा. ए आगे से ले. मैडम सर, हम कहाँ जा रहे हैं? नहीं मतलब, ऐसे आप बार बार बोल रही ना कि राइट जाना है, लेफ्ट जाना है. एक बार आप बता देंगे कि कहाँ जाना है तो डायरेक्ट वहीं पे पहुँच जाएंगे. गंज नगर के गोलगप्पे वाले की दुकान पर. सॉरी मैडम सर, आपकी सर्विस गन गायब है और आप गोलगप्पे के लिए कह रही हैं. एक बार गन ढूंढ लेते हैं, उसके बाद साथ में गोलगप्पे खाएंगे. संतोष शर्मा, हम गन ढूंढ नहीं जा रहे हैं. पेट्रोल के बाद पुष्पा जी और चीता चतुर्वेदी ने जिद की कि उन्हें गोलगप्पे खाने, इसलिए हम उन्हें वहां ले गए. और थाने आने से पहले वही लाश जगह थी जहां हम गए थे, तो हो सकता है गन वहां गिर गई हो, किसी ने ले लियो, पता नहीं क्या. जो भी, आप जल्दी चले प्लीज. ऐसे आ रही हैं आप मैडम सर? पुष्पा जी ना, जब से आई है तब से डकारे ही मारी जा रही है. और मैंने उनसे पूछा मैडम सर कि पुष्पा जी आपने क्या खाया है, तो कह रही थी कुछ नहीं, बस 8-10 हल्के फुल्के फुल्के खाए हैं. और चीता भी कम नहीं है मैडम सर, चीते ने भी गोलगप्पे खाए, कब से बाथरूम के चक्कर काट रहा है वो. और मैंने पूछा तो उसने भी मुझसे झूठ बोला. उसको तो मैं बताती हूँ. संतोष शर्मा स्टॉप. गाड़ी नहीं, आप. आई एम सॉरी, हम थोड़ा वो गन को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं. गाड़ी चलाऊं? हाँ प्लीज चलाइए. हम इतने लापरवाह हो कैसे सकते हैं? अगर गई, कहाँ गई हमारी गन? हे भगवान, तूने पुलिस वाले की बंदूक चुरा ली? क्यों जरना, क्यों? आपको तो मालूम है ना माजी, मजबूर थी, अब तो हो गई ना गलती. गलती? तुझे पता है तुमने क्या किया? अरे अगर उन लोगों को पता चल गया ना, तो जिंदगी भर के लिए तुझे जेल में चक्की पीसनी पड़ सकती है. अरे तेरी इस गलती की वजह से बैठे बैठे हम सब पर मुसीबत आ गई. अरे क्यों किया तेरे बहू ऐसा? अरे कहाँ जा रही है बंदूक लेके? अगर पुलिस को होगी तो, अगर उन्हें तेरी इस हरकत के बारे में पता चल गया होगा तो. चल जा, छुपा उसको. अलमारी में छुपा देती हूँ. अरे अरे पगली, कहाँ छुपा रही है? अलमारी में नहीं छुपाना. अगर वो तलाशी लेने के लिए आई होगी तो सबसे पहले अलमारी तलाश करेगी. कहीं और जाके छुपा. जा, मैं दरवाजा खोलती हूँ. जी, हम महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह हैं और ये है चीता चतुर्वेदी जी. प्रणाम. प्रणाम. नमस्ते जी. कहिए. अरे आप लोग, सुबह ये थाने में गए थे रिपोर्ट लिखवाने, इस चक्कर में तो पुलिस वाले नहीं आए. क्या हुआ? आप ही की घर चोरी हुई है ना, कि आप कहीं चोरी करके आई हैं? नहीं 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 नहीं, 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 नहीं. तो दिखाइए कहाँ चोरी हुई है. हटिए, चलिए चलिए, आइए दिखाइए. आइए आइए. यही वो कमरा है जहाँ चोरी हुई है? जीते चलो, पूरा कमरा अच्छे से छान मारते, देखते कहीं सुराग मिलता. हाँ. है क्या? क्या हुआ?
अच्छा अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, हम देखते हैं, हम देखते हैं। वो अलमीरा खोल के दिखाओ। सब तो ठीक है और कुछ तो चोरी नहीं हुआ ना? नहीं। पुष्पा जी। हाँ पुष्पा जी। क्या हुआ? नीचे हमको ना यहाँ पर नीचे ना कुछ महसूस हो रहा है। क्या महसूस हो रहा है? वही जो सुबह में महसूस हो रहा था पुष्पा जी। क्या? बुलबुले बुलबुले। मैडम आपके घर में बाथरूम कहाँ पे है? इधर, एक सेकंड पुष्पा जी। अच्छा सर, अब जय हिंद सर, आप यहाँ? जय हिंद, वापस चले जाएं? नहीं नहीं सर, वो मतलब थोड़ी ना था हमारा, हमारा मतलब था कि आप। नहीं नहीं नहीं, फिर मतलब क्या था? अरे भाई हम यहाँ के डीएसपी हैं, ये महिला थाना हमारे अंडर आता है, खोज खबर लेने आना पड़ता है। एक काम करिए, एसआई मीरा को बुलाइए, अपडेट लेनी है। सत्यानाश, अब डीएसपी सर मीरा से बात करेंगे और वो उन्हें मैडम सर की चोरी हुई गन के बारे में बता देगी, सब अंडर हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा होने नहीं देंगे करिश्मा सिंह, कुछ सोचो कुछ सोचो। जय हिंद सर। हाँ ऐसा ही मेरा, बताइए इस थाने के बारे में और अपडेट दीजिए। अपडेट अपडेट सर आप लीजिएगा ना अपडेट, उससे पहले आपको बदनाम की चाय पिलाते गर्मा गर्म एकदम, आइए सर। बदनाम की चाय एकदम बकवास चाय होती है, मुझे नहीं पीनी है। नहीं नहीं सर, आपको पता नहीं है वो बकवास चाय नहीं बनाता है, एकदम सनसनीखेज टेस्टी चाय बनाता है। और सर आपको पता है वो साथ में ना आपका वो फेवरेट बिस्किट है ना, वो फ्री भी देता है, दो वो मस्का वाले बिस्किट। हाँ सर वही बिस्किट, आइए सर हम आपको चाय पिलाते हैं पहले। अरे आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आपने याद किया और बदनाम बदनाम स्पेशल चाय लेकर हाजिर है आपके लिए। दरअसल मैंने आपको आते हुए देखा था अंदर, तो मैं सीधा अंदर घुस गया सर। ये लीजिए। ये फ्री वाले बिस्किट कहाँ है? अरे सर चाय भी फ्री की है, इसके पैसे कहाँ मिलते हैं? इसकी मियां की सासु मियां। अरे मैडम आपने कुछ कहा क्या? नहीं हम बस ये कह रहे हैं, हो गया तुम्हारा? हाँ हो तो गया, बस बिल बाकी था। रॉकेट बनो और कटो यहाँ से। ठीक है मैडम, रॉकेट। गलती हो गया सर, हमसे माफ कीजिए हमें। कैसी गलती होती है आपसे, पूरा अंदर चल रहा है। आप एक काम कीजिए, आप वॉशरूम जाइए और पानी मार लीजिए, दाग लग जाएगा वर्दी पे, जाइए सर। आप शांत रहिए। अरे आपका दिमाग है क्या? अब अभी के अभी हसीना मलिक को बुलाइए, जल्दी करिए। सर मैडम से तो या नहीं है। तो कहाँ गई है? गन ढूंढने। गन ढूंढने? किसकी गन ढूंढने? नहीं सर बताओ बताओ आप बताओ। हसीना मैडम ने अपनी सर्विस गन खो दी, शी लॉस्ट हर सर्विस गन, वही ढूंढने गई हैं। हसीना मलिक ने अपनी सर्विस गन खो दी है? नहीं नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं है, वो वायरस आ गया है। गन में वायरस आ गया है? नहीं नहीं सर, ये टीन के डब, ये ऐसा ही मीरा में वायरस आ गया। देखिए ना कुछ भी बकवास कर रही है, कुछ भी बोलती रहती है। वो घर में छोड़ आई ना, भूल आई गन, तो वो लेने गई है वहाँ, आ रही होंगी अपने गन के साथ। ये झूठ बोलती है सर, बहुत झूठ बोलती है। मैं झूठ नहीं बोलती, मैं मशीन हूँ और मशीन झूठ नहीं बोलती। सर ये देखिए आप इस पे भरोसा करेंगे आप? ये जिस पे मैग्नेट के संपर्क में आती है तो बोरा जाती है, एकदम नाचने लगती है। हाँ सर थोड़ा सा पानी गिरता है ना इसके ऊपर तो चिरमिरा जाती है, ये बैटरी लो हो जाता है तो ढेर हो जाती है। आप ऐसे ऐसे मशीन पे भरोसा करेंगे? सर आपको हमारी बात पे भरोसा नहीं है सर? हाँ इन्हें मुझ पर ही भरोसा करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास इंसानों की तरह झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है। मैं जब भी बोलती हूँ सच ही बोलती हूँ। जैन सर। जैन लीजिए, आ गई हसीना मैडम, आप इन्हीं से पूछ लीजिए कि मैं सच बोल रही हूँ या झूठ, क्या इन्होंने अपनी सर्विस गन खोई है या नहीं। मिस मलिक ये सही मीरा क्या कह रही है, आपने अपनी सर्विस गन खो दी है? क्या कह रही है आप मैडम? yeah!
हम कहाँ बोल रहे हैं, तुम्हारे तुम्हारे को भी चश्मे लगेंगे शायद, ज्यादा ही दिखता है कुछ। मिस मलिक, हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या ये सच है आपने अपनी सर्विस गन खो दी है? ये सच है सर, हमसे हमारी सर्विस रिवॉल्वर खो गई है। और ये सब हुआ कैसे? सर कैसे हुआ ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हाँ हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। थाने की SHO जैसी जिम्मेदार पोजीशन पर हमसे ऐसा नहीं होना चाहिए और हम इस बात के लिए बहुत शर्मिंदा है। राइट, आपको भी मेरी तरह अपने सिस्टम को अपग्रेड करवा लेना चाहिए। अगर कोई मेरी सर्विस गन को टच करेगा तो उसे इतने हाई वोल्टेज का करंट लगेगा कि वो दोबारा कभी मैन्युफैक्चर नहीं हो पाएगा। वेरी गुड SI मेरा, मशीन कभी भी झूठ नहीं बोलती, इसीलिए डिपार्टमेंट का ये मानना है कि मशीन इंसानों से हमेशा बेहतर, सुरक्षित और साधन संपन्न होती है। मशीन कभी गलत हो ही नहीं सकती। सर देखिए, हम जानते हैं कि हमसे जो हुआ है उसके लिए कोई भी सफाई, कोई भी दलील, कोई भी वजह, कुछ भी वैलिड नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी गैर जिम्मेदारी और लापरवाही की वजह से हुआ है। I'm really sorry सर, आपको जो सजा सही लगती है हमें मंजूर है। मिस मलिक, आपने कोई छोटी त्रुटि नहीं की है, बहुत बड़ी त्रुटि की है और इस त्रुटि के लिए आपको अभी इसी समय निलंबित किया जाता है। जानती है कब तक? तब तक जब तक आप अपनी सर्विस रिवॉल्वर ढूंढ नहीं लेती और ढूंढ कर हेडक्वार्टर में दर्ज नहीं करा देती। जय हिंद सर। जय हिंद। जरूरत था सच बोलने का मैडम सर, और बोलिए सच, निलंबित करके चले गए हैं आपको DSP सर। हम कहते कहाँ पड़ी थी आपको सच बोलने की, जब हमने कह दिया था कि जो गन है वो आपके घर में आपने कहीं रखा है मिल जाएगा, तो किसी को कहाँ पता चलता कि वो खो गया है? कहाँ है आपने सच बोल दिया? करिश्मा सिंह, सच बोलने से आज तक किसी का कभी भी नुकसान नहीं हुआ है। एक मिनट मैडम सर, आप सस्पेंड हो गई हैं, ये सच बोलने से नुकसान नहीं हुआ है तो हमें आपके सच और जिद का हमें अंतर समझ में नहीं आ रहा है मैडम सर? नहीं, आपके आपको जो ये सच का, हमेशा सच की प्रतिमूर्ति बनने का जो शौक है, लोगों की नजरों में हीरो बनने का जो शौक है, और आपको ये जो लोगों की खोखली जय जयकार का जो शौक है, ऐसा सच्चाई आप ही को मुबारक। हमें ये सच्चाई का खोखला आदर्शवाद हमारे समझ में नहीं आता है। नहीं मैडम सर, आपके सच की वजह से ना हमारा थाना आज दाव पर लगा हुआ है। देखिए करिश्मा सिंह, हम समझते हैं। नहीं, आप नहीं समझ रही है मैडम सर, आपका ये अड़ियल बिहेवियर जो है ना, ये हमेशा कुछ ना कुछ हमें भुगतना पड़ता है इसके चक्कर में। जिस तेजी से आप इस टीन के डब्बे को सपोर्ट कर रही है ना मैडम सर, हम आपको बता रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है जब इस थाना में इंसानों की जगह ऐसे टीन के डब्बे, ऐसा मशीन नाच रहा होगा और हम अपने घर में बैठकर अपने इस उज्जवल भविष्य पर तालियां पीट रहे होंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम मीरा को सही साबित नहीं होने देंगे। इसके लिए हमें कुछ भी करना होगा, हम कुछ भी कर डालेंगे। करिश्मा सिंह, हम भी मशीन्स के सपोर्ट में नहीं है, हम भी उसके खिलाफ है। लेकिन बात यहाँ पर मीरा या हमारे आने वाले मशीन के फ्यूचर की नहीं है, बात है यहाँ पर सच और झूठ की, और हम सच का साथ दे रहे हैं, सही का साथ दे रहे हैं। वही आपको समझ में नहीं आता है, सच और सही का अंतर। हम सही के लिए लड़ते हैं और आप सच के लिए लड़ती है, और हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा लड़ाई है ना, ये आज तक जारी है। प्यार और लड़ाई में सब जायज होता ना, तो हम आपको वापस लाएंगे, लेकिन इस बार आपके लिए नहीं मैडम सर, इस बार हम आपको वापस लाएंगे थाने के लिए और हमारा वर्दी के लिए। जय हिंद। मैडम सर,
मैडम सर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। इससे भी बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना हमने किया है, फिर ये तो देखिएगा आप बहुत जल्द वापस आएंगी यहाँ अपने ही थाने में। आत्मा के बिना शरीर का क्या मतलब है बताइए। और जिसने भी आपकी गन चुराई ना उसको तो हम श्राप देते हैं, उसको ना हैजा खाए, उसको वो नरक में जाए, उसको फूसी फूटे, उसको हाँ हाँ एक हम निकाले ये लीजिए। हेलो हमारी गन आपके पास है क्या? आपकी गन हमारे पास है। कौन बोल रहा है? मैडम मैडम आपकी गन ना हमारे पास है, हम आपको लुटाना चाहते हैं। हाँ लेकिन आप बोल कौन रहे हैं और हमारी गन चुराई ही क्यों? जी ये सब बातें तो हम आपसे मिलकर ही बताएंगे, लेकिन आपको हमसे एक वादा करना होगा, आप इस बात का जिक्र किसी से नहीं करेंगी। एक बात आपको हमारी मंजूर करनी होगी कि आपको हमसे मिलने के लिए अकेले ही आना होगा। देखिए क्या हम आप पर भरोसा कर सकते हैं? मंजूर है, कहाँ मिलना है और कब? हमारा बस चलता तो हम अभी मिल लेते, लेकिन अभी रात बहुत हो गई है, अभी हम कल मिलेंगे 11 बजे हनुमान मंदिर के पीछे कैलाश नगर। ठीक है हम पहुंच जाएंगे। ठीक है मैडम। कौन था मैडम सर जिसके पास आपकी गन है? पता चलते ही बता देंगे पुष्पाजी। चक्कर क्या है, गन लौटानी ही थी तो चुराई क्यों? सही कहती है पुष्पा जी जीते। सही कहती है ना, सही कहती है कि हम लोग शादी कर लेना चाहिए संतू जी। थाने के वास्तु की बात कर रही हूँ मैं चीते। सही कहती है पुष्पा जी कि कुछ तो गड़बड़ है। एक प्रॉब्लम जाती नहीं कि दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है। पुष्पा जी से कह के कोई सलूशन निकालना पड़ेगा इसके। मैडम सर के लिए बस यही प्रे करती हूँ कि उनकी गन जल्दी से जल्दी मिल जाए। हाँ संतू जी, हम लोग का कुंडली मिले चाहे ना मिले, मैडम सर का गन मिलना ना बहुत जरूरी है। मतलब संतू जी आइए ना, इससे पूछते हैं, आ गए हैं तो। भैया ये देखिए भैया। मैडम मैं मोबाइल नहीं बेचता, मोबाइल की दुकान वहां पर है। भैया ये फोटो देखिए, घड़ी देखिए और बताइए। इतना पुराना मॉडल क्यों लेना चाहती हैं मैडम आप? मेरे पास लेटेस्ट घड़ियां हैं ना, मैं दिखाऊं आपको। भैया हम आपसे सिर्फ इतना पूछना चाह रहे हैं कि घड़ी जो यहाँ पर मोबाइल में है, ये घड़ी कोई लेकर आया था क्या? ये चोरी का घड़ी है। ये रही आपकी घड़ी। संतू जी तू तो चोरी किया हुआ घड़ी है, मतलब चोरी का माल बरामद हो क्या? नहीं नहीं जीते, चोर तो पकड़ा जाएगा, लेकिन एक मिनट भैया आपको ये घड़ी कौन बेच कर गया? बेच कर नहीं, रिपेयरिंग करने के लिए देखे गए थे। का? अब किसने? वही वो जो मैडम उस फोटो में दिखाई पड़ रही है, और उनके साथ एक अंग लेडीज भी थी। कौन महिला थी? अंग अंग यंग। जी 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 वही बोला मैंने। गाचा गाचा नहीं सर, एक बार आप हमने जो कह दिया वो कह दिया। नहीं सर ये मेरे ऑर्डर हैं सर, एक करिश्मा सिंह गन मीरा ही ढूंढेगी और ये केस मीरा ही हैंडल करेगी, समझ में आ गई मेरी बात? हम सब जानते हैं, पर आप ये जानने की कोशिश कब करेंगी कि मीरा जब तक कोई केस अकेले हैंडल नहीं करेगी तब तक वो सीखेगी कैसे? सर लेकिन कम से कम हम मीरा के साथ तो जा सकते हैं। देखिए करिश्मा सिंह, खाके देखेंगे, मना मत कीजिएगा। आपने हमेशा हमारे हाथ का राजमा चावल खाया है, आज खिचड़ी तो खाके देखिए और बताइए कैसी बनी है। खाई खाई ठीक है। वाह बहुत बढ़िया बढ़िया बनी है ना। हाँ तो हम क्या कह रहे थे कि आपको ये पैक करके दी भाभी जी के लिए। अब थोड़ी बची है। ठीक है अब आप कह रही हैं तो कर दीजिए, मगर भाभी जी को ही दे दीजिएगा। हाँ वरना गाड़ी में बैठ के खत्म मत कीजिए। बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, बिल्कुल नहीं करूंगा। तो मैं
कह रहा था करिश्मा सिंह हम अच्छा वो डिस्पोजेबल में देखिए हमारा टिफिन आप लेके जाएंगे तो काम करिए अपने ही टिफिन में दे दीजिए बाद में मैं भिजवा दूंगा ठीक है ठीक है तो करिश्मा सिंह आप क्या करेंगे साथ में जाकर बताइए भला आपके महिला थाने में बहुत सारे केस पेंडिंग पड़े हैं उसको सॉल्व कीजिए उनको देखिए आज ही 890 की घड़ी चोरी का केस आया है लीजिए आपके लायक केस आ गया आप घड़ी ढूंढिए और मेरा गन ढूंढेंगे सर खाइए ना और खाइए ना लीजिए लीजिए खत्म कर दीजिए हाँ तो ठीक है सर हम क्या कहते हैं मेरा एक मशीन है अकेले कैसे कर पाएगी ये काम कोई तो साथ में चाहिए ना सर आप है ना पुष्पा जी आप जाइए साथ में देखिए भाई मीरा आपके सीनियर है उनके ऑर्डर फॉलो कीजिए हाँ तो भाई हमारा पार्सल भिजवा देंगे सर किसी के हाथों अच्छा ठीक है तो हम भी आपको टिफिन भिजवा देंगे हम चलते हैं जय हिंद सर हाँ जय हिंद आप कहाँ जा रही हैं पुष्पा जी मेरे पीछे आइए जाइए